काही नाही, बैठक अजून चालू आहे, बैठक संपलेली नाही आहे. मला बाहेर जायचं आहे म्हणून मी असं निघालेलो आहे. एवढंच म्हणेन की बैठक स्मूथली चाललेली आहे, एवढं फक्त मी म्हणतो. नाही, माझे चेहरा हा नेहमीच हसरा असतो. मी आयुष्यात कधी दुःखी होत नाही, त्याच्यामुळे असं माझ्या चेहऱ्यावरनं काही जाऊ नका. मी असं म्हणालो आहे की त्याच्यातला असणारं जे मुद्दे आम्ही ठेवले होते त्या मुद्द्याच्या संदर्भात तिन्ही पक्ष इंटरनली डिस्कस करणार. त्याच्यामध्ये अजून काही ऍडिशन करायचं आहे का ते ऍडिशन त्या ठिकाणी केला जाईल. आणि नंतर मग असणारा जो ड्राफ्ट आहे तो ड्राफ्ट त्याच्यातला असणारा फायनल होईल. आत्ता असणारा इतर मुद्दे जे आहेत त्या इतर मुद्द्यांवरती असणारा चर्चा कंटिन्यू राहणार आहे. मला फक्त जायचं असल्यामुळे मी असं ते बैठकीतून बाहेर चाललो. जे काही आमचं आत्ता ठरलेलं आहे ते म्हणजे या आघाडीचं इंडिया होऊ नये ही आम्ही मी दक्षता घ्यायचं असताना त्या ठिकाणी आम्ही ठरवलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे ताक जरी असलं तरी फुकून फुकून प्यायचं असं आम्ही ठरवलेलं आहे. त्याच्यामुळे असणारं सीट शेअरिंग जे आहे हा आमचा नेक्स्ट फेजचा इश्यू राहणार आहे. फर्स्ट फेजचं जे आहे ते एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टँडिंग हा फेज पहिल्यांदा आम्ही घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे त्या फेजची असणारी अर्धवट चर्चा झाली, अर्धवट चर्चा सुरुवात होती. इंडिया आघाडी माझ्या दृष्टीने इंडिया आघाडी आता काही शिल्लक राहिलेली नाही. जे काही अखिलेश आणि काँग्रेस लास्ट पार्टनर्स राहिले होते माझ्या माहितीप्रमाणे दोघंही पार्ट झालेले आहेत. काँग्रेस वेगळी चालली आहे आणि एस पी सुद्धा वेगळी चालली आहे अशी माझी माहिती आहे. होऊ नये ही माझी इच्छा आहे, परंतु हकीकत अशी आहे की दोघं वेगळे चाललेत अशी परिस्थिती आहे. तेव्हा त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रात तसं होऊ नये हे आम्ही असायला पाहतो. ते पुढची बैठक मला वाटतं ही मीटिंग संपल्या ते डिसाईड करणार. आज जो है बैठक में पिछली बैठक जो हुई थी उसमें हम लोग ने कुछ इश्यूज दिए थे कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके साथ साथ अगर इकट्ठा आते तो कॉमन प्रोग्राम क्या होना चाहिए उस पर दिया था. आज सुबह से उस पर चर्चा हुई और इंटरनली दोपहर से अभी ये फाइनल डिसीजन हुआ कि हर पार्टी जो है वो अपने जो पदाधिकारी है और कमिटी है उसके साथ में वो डिसाइड करेगी, डिस्कस करेगी इसमें और क्या एडिशन करना है वो भी मुद्दा होगा. और अगली बैठक में जो है ये कॉमन प्रोग्राम जो है हम लोग कितने एग्री करते हैं या हम कितने डिसएग्री करते हैं उस पर चर्चा होगी. लेकिन एक बात ये तय हुआ कि अगर ख्यालत मिलते भी नहीं है कुछ इशू पर तो उस पर अलग अलग नहीं जाएंगे, ये एक डिसीजन हो गया है. सर, उद्धव जी और राहुल जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया? राहुल जी, उद्धव जी लगातार कह रहे हैं, पवार साहब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है. तो हकीकत है उस सीटों पर बात भी लेटिव, 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 लेटिव. सवाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था. एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है लेकिन कांग्रेस उसे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट उतार मतलब नाम डिक्लेयर किया. हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये साथ में रहे, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाह रहे हैं. पहला मुद्दा जो है वो हम लोग कॉमन प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं. अगर किसी इशू पर हम लोग
कि राय अलग अलग है, तो ये अलग अलग कितनी राय है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि हम लोग छाछ भी अगर पिएंगे तो मैं फूक फूक के पीने को सलाह सबको दे रहा हूँ, और ये एक मुद्दा ख़त्म होने के बाद सेकेंड फेज में जो है वो सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आएगा। सर एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि आप सर आज सीट शेयरिंग को अंतिम शामिल नहीं होंगे। मैं तो महाराष्ट्र के हद तक क्यों, मैं तो उसके बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोशिश तमाम महाराष्ट्र का, बीजेपी का ऑफर तो मुझे बहुत पहले से ही है, नया नहीं है। सर सर एक चीज सर, एक आरोप लगा जानबूझ के आप देरी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस शिवसेना एनसीपी मिलके जल्द से जल्द इसको खत्म करना चाहती सीट बंटवारे को, और आपको इसे देरी। सवाल ऐसा है कि अगर उनको खत्म करना होता तो ढाई साल में वो खत्म करते। अब ऐसा है कि हम कल ही मीटिंग में आए हैं, तो आपके ये बुनियाद जो है कहीं ना कहीं तो भी किसी ने आपसे कहा है कि ये सवाल पूछे। संजय सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ निर्णय पेश करा। देखिए अभी हम बाला साहब को यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं, अभी बाला साहब जा रहे हैं कार्यक्रम को, सब कुछ ठीक है। सर इन्होंने कहा हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।